है गाइस, वेलकम अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बीजीएमए का न्यू जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो कैसा रहेगा, क्योंकि ओल्ड सेटिंग में बहुत ज़्यादा वो रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो ओल्ड में हम लोग इसको इतना करेंगे कि ये जो लोग बोलते हैं कि हैकर या फिर ज़ीरो रिकॉइल, तो हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि इसको ज़ीरो रिकॉइल तक पहुँचा सकें। तो चलिए, इससे पहले मैं गन वन सब ले लेता हूँ कि इसको पूरा कर लेते हैं। इसको हम लोग 3x, 4x और क्या बोलते रेड डॉट तीन को ले लेते हैं और फिर इसको करके देखते हैं। पहले पहले इसका सेंसिटिविटी हम लोग न्यू कर लेते हैं, कंपनी वाला जो रहता है। अभी देखिए पूरा न्यू बन गया। अभी देख लेते हैं पहले इसका रिकॉइल कंपनी में कैसा आता है। सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रिकॉइल है, ज़्यादा ही लग रहा है, हाई पे जा रहा है बहुत ही ज़्यादा, इसमें तो मारना बहुत ही मुश्किल होगा। और हाँ, इसको हम लोग इतना सेटिंग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हेड कनेक्ट हो, हमें फ़ायदा हो गेम में। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बनता है। तो इसको हम लोग फटाफट चेक, बहुत ही ज़्यादा रिकॉइल हो रहा है, ऊपर ट्रैक कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, मतलब एक गेम में तो और भी ज़्यादा होगा। रिकॉइल कंट्रोल हो रहा है करने से, थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा रहता है। थोड़ा सा हुआ है, और गाइस इसी हम लोग जो सेटिंग करने वाले, इससे आप नॉन जायरो भी खेल सकते हो और फुल जायरो खेल सकते हो। मैं फुल जायरो खेलता हूँ, इसलिए मैं एडीएस का भी कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट क्योंकि जायरो इसको फुल जायरो का सेंसिटिविटी रहता भी रहता है, तो उसका होता है, इसी वजह से मैं इसको भी बना रहा हूँ। भी अच्छा है, बहुत बहुत टाइम लगा के मैंने इस सेंसिटिविटी को निकाला, जिससे कि मेरा रिकॉल अभी काफ़ी अच्छी तरह से हाथ में बैठ रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसको आप लोग भी देखें कि क्या चलता है, कैसे चलता है, और आपको भी अच्छा लगे कर सकते हो। और एक बात मैं आखिर दिखा दूँगा कि इस सेंसर से हेड कितना बढ़ता है, और तो मैं ये भी दिखाऊंगा कि आपका जो रिएक्शन टाइम रहता है वो फास्ट कर सकते हो कौन से सेटिंग से। तो मैं आपको कि इस सेटिंग से आप कितना ज़्यादा कर सकते हो, या फिर रिकॉइल हुआ है, और थोड़ा करने की कोशिश करके देखते हैं कि और कर पाते हैं कि नहीं। देखिए अभी इतना अच्छा हेड बैट रिकॉइल चल रहा है, पर और चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादातर और इससे हम लोग वन वी वन में फाइट में जीते। बहुत ज़्यादा उछल रहा है, ठीक ही लग रहा है, इतने में भी हम लोग खेल सकते हैं।
इसको फिर फुल 100 करके देखते हैं। अभी देखिए और ज़्यादा अच्छी तरह से बैठ गए, जिसके कारण रिकॉइल और देखिए कितना दूर तक ये रिकॉइल कंट्रोल कर लेता है सेंसिटिविटी में। और आपका डिवाइस अगर आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको इन्फो दे देता हूँ, स्प्रे कर रहा है तो मतलब सेंसिटिविटी कम है, एक दो करके बढ़ा के देख सकते हो, मतलब वो ज़्यादा हो गया, उसको अब एक दो करके कम करके अपना कर सकते हो। मेरे को तो लगता है कि इसका देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नाच रहा है, तो इसका सेंसिटिविटी हम लोग करते हैं 28। फिर भी ऊपर जा रहा है, कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, पर थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, इतना कंट्रोल हो रहा है। इसको हम लोग थोड़ा और सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। अब जाते हैं जायरोस्कोप पे, जायरोस्कोप के लिए हम लोग फिर इधर उधर उछल रहा है। ठीक नहीं है शायद, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। नाच रहा है, फिर भी नाच रहा है, इस पर देखिए इसको हम लोग अभी करते हैं 265 करते हैं, 265 करके देखते हैं। ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये 2 दिन ठीक ठाक बैठने लगेगा, क्योंकि किसी भी सेंसर के हम लोग खेलते थे तुरंत हाथ नहीं बैठता है, एक तो चलता है। देखिए क्राउच करके धीरे धीरे आएगा इस स्प्रे में, बात जा रहा है जी, क्योंकि जब आप स्प्रे मारते हैं कि आपका उससे पता चल जाता है कि आपका सेंसिटिविटी कितना यूज। देखिए बहुत अच्छा कंट्रोल जा रहा है, वो जो थोड़ा थोड़ा नाच रहा है उससे कनेक्ट होगा भाई, इतना नाचना सही रहता है, क्योंकि जब रनिंग शॉट मारोगे तो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो बापरे M4 में चलाएंगे तो जाएगा M4।
लेज़र स्प्रे आना चाहिए 4x का, भाई हर टाइम थोड़ी ना हमें 3x मिलता है। तो हम लोग इसको ढूंढते हैं और फिर इसको करते हैं। अच्छा है एडीएस एडीएस में तो इतना अच्छा नहीं जाना चाहिए भाई। भाई मैं 4x जायरोस्कोप का बढ़ाया था इसलिए नहीं, हो बहुत अच्छा स्प्रे जा रहा है इसलिए बोलता हूँ भाई कि एडीएस में 28 करते हैं और फुल जायरोस्कोप में करते हैं 2x का भी फुल कर दीजिए क्योंकि रेड डॉट के ही काम आता है। 4x में कर देते हैं 2 2 8 चेस्ट पर जाएगा। जीरो रिकॉइल, अभी थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग स्प्रे की अच्छा जा रहा है। दो दिन खेलने से हाथ पूरा बैठ जाएगा, मेरी गाड़ी फूट गया, ठीक ही जा रहा है अभी थोड़ा जा रहा है। देखिए अच्छा इस पर जा रहा है, अभी देखते 300 मीटर तक काफी सही जा रहा है। 150 मीटर तो ये आराम से मार देगा। 300 आराम से मार देगा। Mark the location. ये कितना अच्छा स्प्रे मार पाता है। Mark the location. चलिए इसको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर स्प्रे, देखिए बिल्कुल नहीं जा रहा है, देखिए पूरा लेजर स्प्रे। बहुत ज़्यादा दूर मारना है तो हम लोग लेट के ही मारते हैं, और लेट के अगर स्प्रे देंगे तो अभी मैं जो बोला था कि अपना मूवमेंट का देखिए मैं कैसे सेट करता हूँ सेंसिटिविटी को, जिससे कि मेरा मूवमेंट बहुत अच्छा हाई फाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं क्लोज कॉम्पैक्ट में अपना रिकॉइल कंट्रोल करके उसके हेड पे मार सकता हूँ, और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा जायरोस्कोप का हाई करने वाला हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छा क्लोज रेंज में आपको हेल्प होता है। इसको मैं 150 करूँगा फुल जायरो को, जो कि उसमें भी किया हूँ, और एंड्रॉइड मोबाइल के लिए सही होता है क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल जायरोस्कोप बहुत कितना अच्छा मूवमेंट फास्ट हो गया, जिसके वजह से क्लोज इसको। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैटर है कि नहीं मेरे उसको, हम लोग देखेंगे कि हेड ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है कि हम लोग उधर जाके उसको चेक करके देखेंगे कि हेड कनेक्ट हो रहा है। टाइम देखे मैंने इसको बनाया, अगर आपको लिए हेल्पफुल है तो इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप उसके बारे में कमेंट कीजिए, सजेस्ट करूंगा कि कौन सा सेंसिटिविटी सही रहेगा। रिकॉइल प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मैं वो सेंसिटिविटी कर तो चलिए हम लोग अभी टीडीएम, तो टीडीएम चालू करता हूं मैं।
देखते हैं हेड कनेक्ट होता है कि किसी रिवर्स मिल जाए। देखिए बहुत बढ़िया हेड कनेक्ट हुआ, ये भी हेड, ये भी हेड। देखिए रिकॉइल इतने ज़्यादा कंट्रोल है कि कंट्रोल कर सकते हैं, तो ज़्यादा करते नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।